तुष्टीकरण के बादशाह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि ये राजनीति राजस्थान को एपिक सेंटर बनाती जा रही है। तुष्टीकरण की नीति के कारण आज राजस्थान के 7 बड़े केंद्र कोरोना महामारी के हॉटस्पॉट बन गए हैं। तुष्टीकरण के बादशाह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति के कारण आज राजस्थान के 7 बड़े केंद्र कोरोना महामारी के हॉटस्पॉट बन गए हैं। वहीं एक जिले को छोड़कर सभी जिले कोरोना पॉजिटिव हो गए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह राजनीति राजस्थान को कोरोना का बड़ा एपिक सेंटर बनाती जा रही है। आज कोरोना की महामारी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें प्रवासी राजस्थानियों का कॉलम डाल करके माननीय अशोक गहलोत जी क्या साबित करना चाहते हैं, वह राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों का जो इसी मिट्टी में जन्मे और जाए हैं उनका अपमान कर रही है, उनको इसमें चिन्हित करके उनको न केवल उनका अपमान कर रही है और उनके आत्मसम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। एक और जहां वो प्रवासी राजस्थानियों का कॉलम डाल करके उन पर प्रश्न लगा रही है, उनको राजस्थान में बढ़ने वाला कोरोना महामारी संक्रमण का जिम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत तबलीगी जमातियों का कॉलम हटा देती है। आज राजस्थान के 7 बड़े जिले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, टोंक, अजमेर, भरतपुर, ये बड़े जिले केवल मात्र समुदाय विशेष के तुष्टीकरण के कारण से वो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। और वहां पर राजस्थान सरकार की रीति और नीति इस प्रकार की है कि वहां पर सैंपलिंग भी स्लो कर दी गई है। सैंपलिंग की कोताही के कारण से वहां पर समुदाय विशेष की सैंपलिंग प्रॉपर नहीं आ पा रही है, उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। एक और प्रवासी राजस्थानियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार राजस्थान सरकार कर रही है। दूसरी ओर राजस्थान से जाने वाले श्रमिकों और जायरीनों की को भेजने के चक्कर में उनकी न तो प्रॉपर सैंपलिंग की गई न उनकी जांचें की गई। उसका दुष्परिणाम है कि वो जाकर के राजस्थान से अपने प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के वाहक बन गए हैं। इस प्रकार के उदाहरण आसाम में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में सामने आए कि राजस्थान से वो लोग गए और वहां जाकर संक्रमण उन्होंने फैलाया। दूसरी ओर राजस्थान के आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के साथ एक इस प्रकार का व्यवहार करके सरकार का घिनौना चेहरा सामने आ रहा है।